ये चावल के बड़े बनाना बहुत इजी और कितना क्रिस्पी और बहुत समय तक क्रिस्पी रहेगा। कैसे बनाते हैं चलिए इसका कुछ स्टेप को फॉलो करते रहना और आपका भी बड़ा क्रिस्पी बन के तैयार होगा। यहाँ मटर करी या सॉस के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं चावल के बड़े। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? उम्मीद है कि अल्लाह की दुआ से आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं आज एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। ये चावल के वड़े बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी बनता है। और कैसे बनता है, हम सोच रहे होते हैं कि ये वड़े जो होते हैं थोड़े समय के बाद नरम पड़ जाता है। तो हम सोच रहे हैं किस तरह से बाहर वाले ठेले वाले बनाते हैं जो उन लोग का क्रिस्पी रहता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करती रहूँगी, बताती रहूँगी, आप फॉलो करते रहना, आपका भी क्रिस्पी और मज़ेदार बन के तैयार होगा। यहाँ पर जो उबला हुआ चावल नहीं लेंगे, यहाँ रेगुलर वाला जो चावल है, मैं यहाँ पे मेजरिंग कप का एक कप चावल, यहाँ मैं इसे पानी में अच्छे साफ पानी में धोकर भिगा चुकी हूँ 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद एक चौथाई कप उड़द की दाल ली हूँ। ज़्यादा करके उड़द की दाल नहीं लेंगे, चावल ज़्यादा होगा उसका एक हिस्सा होगा उड़द का दाल। तो इसे क्या करेंगे, इसे भी साफ पानी से मैं धोकर इसे भिगा चुकी थी 2 से 3 घंटे के लिए, ये भीग के तैयार हो चुका है। अब क्या करेंगे, ये जो पानी है एक्स्ट्रा पानी इसका जो है इसे निकाल लेंगे। मज़ेदार सा क्रिस्पी हमारा ये बड़ा बन के तैयार होगा। चलिए इसका पानी को ड्रेन आउट कर लेते हैं। चावल का जो पानी है एक्स्ट्रा पानी, उसे मैं छान कर निकाल चुकी हूँ, इसका भी पानी हटा चुकी हूँ। अब क्या करेंगे, इसको एक पॉट लेंगे ग्राइंडर वाला, उसमें थोड़ा थोड़ा चावल डालते हुए इसे बनाएंगे इसका पेस्ट। थोड़ा सा दरदरा सा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे, इसे डाल लेंगे पहले। अब इसे चावल में क्या करेंगे, इसे इस तरह से ये पीस नहीं पाएगा, तो इसमें ये ठंडा पानी डालेंगे। ठंडा पानी डालेंगे क्योंकि इसमें 2 से 3 चम्मच ठंडा पानी डालकर इसे पीसने से क्या फ़ायदा होता है कि हमारा जो बड़ा होता है बहुत ही क्रिस्पी रहता है, बहुत समय तक, ज़्यादा समय तक ये क्रिस्पी रहता है। और ये और एक बात है कि ये पॉट हमारा ग्राइंडर जो है वो गर्म नहीं होता है, तो हमारा बैटर येलो, जरा जो येलो दिखता है येलो नहीं बनेगा, ये वाइट बनेगा। तो यहाँ पे मैं ये चिल्ड वाला पानी ही लूँगी। देखिए कितना चिल्ड है, इसे 2 से 3 चम्मच डालकर इसे बनाएंगे एक पेस्ट, फाइन पेस्ट। ज़्यादा करके इसे पानी बिल्कुल भी ना डालें, अगर ना पीस पाए तो और एक चम्मच इसमें डाल सकते हैं। चलिए अब पीस कर लेकर आती हूँ। देखिए चावल हमारा अच्छा पीस चुका है, जिस तरह का हमें चाहिए, थोड़ा सा दरदरा सा, बस उस तरह का बन के तैयार हो चुका है। अब इसे रखते हैं साइड पर, सेम पॉट लेंगे, यहाँ पर उड़द दाल को डालकर पीस लेंगे। सेम प्रोसेस में थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे और इसे थोड़ा सा दरदरा सा पीस कर तैयार करेंगे। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे उड़द की दाल और चावल को एक साथ क्यों नहीं भिगाया, क्यों नहीं पीसा? इसका समय, सोक करने का समय अलग है, इसका अलग है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसे अलग अलग इसे भिगोई हूँ, अलग अलग इसे पीस कर इकट्ठा करके इसे फेंटेंगे। तो इसे मैं थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर इसे पीस कर लेकर आती हूँ। 2 से 3 चम्मच पानी डाल चुकी हूँ, अब इसे पीस कर लेकर आती हूँ। अब देखिए उड़द की दाल भी इस तरह से पीस कर तैयार हो चुका है। अब इसे भी निकाल लेंगे इस पॉट पर, निकाल लेते हैं इसे, सारे मिश्रण को इकट्ठा कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो चिल्ड वाला पानी से पीसने पर क्या होता है, वाइट वाइट पीस कर तैयार हुआ है। इसे अब क्या करेंगे, सारे मिश्रण निकाल लेंगे और इसे आगे का प्रोसेस मैं बताती हूँ। ये उड़द की दाल को मैं निकाल चुकी हूँ, यहाँ पे क्या करेंगे, नमक डाल लेंगे। जितना आपको नमक ज़रूरत है स्वाद अनुसार नमक इसमें डाल लेते हैं फेंटने से पहले, क्योंकि इसे फेंटते समय इसे अच्छे से फेंट के तैयार हो जाएगा। इसे जब बाद में नमक डालेंगे तो पानी छोड़ लेगा, थोड़ा लिक्विड हमारा हो जाएगा ये बैटर। तो इसी समय में डालकर इसे 2 से 4 मिनट इसे अच्छे से फेंट लेते हैं। बस इसे फेंटेंगे तो एक ही डायरेक्शन पर फेंटना है और एक तरफ से घुमाएंगे तो यहाँ पे ये जो वड़े होते हैं ये बहुत हार्ड हो जाएगा। तो एक ही डायरेक्शन पर इस तरह से करने पर क्या होता है, इसके अंदर में एयर अंदर चला जाएगा, तो ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से फेंट लेते हैं। इसे फेंटते हुए 3 से 4 मिनट हो चुका है, ये देखिए बैटर हमारा फूल चुका है। इस तरह का हमें रखना है, डालने पर आसानी से इस तरह से
तेल पर जा सकता है। तो इस तरह से फेंट कर रख लें। अगर आपको तुरंत ही बनाना है तो इसमें जो डालना है तुरंत ही डालकर इसे बनाएं। अगर आपको कुछ समय के बाद बनाना है तो इसका इसमें जो प्याज वगैरह डालने का डालने वाला है तो इसे बाद में जब इसे बनाएंगे तभी उसे डालकर तुरंत बनाएंगे, क्योंकि वो प्याज जो है पानी छोड़ देगा। तो इसलिए इसे अब ढक कर रेस्ट में रख लूँगी। थोड़े समय के बाद मैं इसे बनाऊँगी, क्या इसमें डालने वाली हूँ आपके साथ मैं शेयर करूँगी। चलिए, कड़ा का बैटर हमारा इसे रेस्ट करके तैयार हो चुका है। मैं इसे इफ्तारी के लिए बना रही हूँ। इसे और थोड़ा सा फेंट लेते हैं, अच्छा फूल चुका है। अब इसे साइड में रखते हैं और एक तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लूँगी चॉपर। चॉपर में कुछ मैं यहाँ पे बारीक कटा हुआ एक मीडियम साइज़ का प्याज काट कर रख चुकी हूँ। यहाँ पे मैं लूँगी फ्रेश कड़ी पत्ता, मीठी नीम जिसे बोला जाता है। मैं यहाँ पे साफ पानी में धो कर इसे रख चुकी हूँ, फ्रेश है। इसे निकाल लेंगे और चॉपर में डाल लेंगे। इसे दरदरा सा कूट कर लेना है। यहाँ पे मैं लूँगी 2 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे भी लेंगे। 3 साबुत 3 हरी मिर्च है, इसे भी डाल लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया, इसे भी डालकर इसे चॉपर में चला लेंगे। इसे दरदरा सा कूट लेते हैं। ये देखिए अच्छे से पीस चुका है। अब इसे क्या करेंगे, इसे वड़ा वाला जो बैटर है उसका अंदर में इसे डाल लेंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे। इसे चॉपर में डालने पर क्या होता है, इसे बहुत फाइन, एकदम फाइन नहीं है, दरदरा सा हो जाता है। इस तरह से करने पर क्या होता है, बच्चे बड़े सभी का पसंदीदा, क्योंकि ये जब काट कर डालते हैं तो ये मुँह में आता है तो बच्चे बहुत गुस्सा होते हैं, ये पत्ता आ गया, ये हरी मिर्च तीखा हो गया। तो इस तरह से कर लेने पर क्या होता है, बच्चे बड़े सभी खा लेते हैं आसानी से। अब इसी समय में ये प्याज को डाल लेंगे। अब इसे बनाएंगे वड़ा। देखिए ना कितना है ना आसान वाला काम, बहुत ही आसान सा तरीका, बहुत बढ़िया रेसिपी और ये क्रिस्पी और कुछ बात का ध्यान होते हुए करते हुए इसे बनाएं, बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होगा। अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं तेल चढ़ा चुकी हूँ। साफ पानी से हाथ को मैं धोकर पानी में डिप करके थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे पोर्शन, इसे डालते जाएंगे। जितना बड़ा साइज आप बनाना चाहते हैं उतना बड़ा ही बनाकर तैयार हो जाएगा। इसे जितना इसके अंदर में आ सकता है उतना ही डालें। ये बढ़िया फूल कर तैयार होगा और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत अच्छा बन के तैयार होने वाला है। कैसा लगा मेरा वीडियो आप कॉमेंट में बताएँ मुझे। आप किस तरह से बड़ा बनाते हैं वो भी कॉमेंट में बताएँ। इस तरह से इसका अंदर में जितना आ सकता है उतना ही डाल लूँगी। देखिए कितना फुला फुला बड़ा बन रहा हमारा। इसमें इतना ही आ सकता था, मैं इतना डाल चुकी हूँ। इसमें ना कोई इनो, ना बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा किसी का ज़रूरत नहीं है। बस इसे अच्छे से फेंट लेंगे तब इसे परफेक्ट इस तरह से फुले फुले बड़े बन के तैयार होंगे। अब इसे क्या करते हैं, अलटते पलटते हुए थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने पर इसे सेक लेते हैं। इस तरह से सेक लेते हैं इसे। देखिए बड़ा का अच्छा कलर आ चुका है। अब इस तरह से थोड़ा सा रोक लेंगे, एक्स्ट्रा तेल होगा जो और निकल आएगा, उसके बाद इसे निकाल लेंगे। इस तरह से जितना बड़ा चाहें आप उतना बना सकते हैं। इसे निकाल लेते हैं। इसका आवाज़ सुनिए कितना क्रिस्पी बना हुआ है। इस तरह से थोड़ा सा स्टेप कुछ है तो इसे फॉलो करेंगे तो आपका भी बड़ा इस तरह से क्रिस्पी बन के तैयार होगा। इस तरह से जितना बड़ा चाहें उतना बनाकर तैयार कर सकते हैं। सुन लिए, आप समझ गए होंगे कितना क्रिस्पी बना हुआ है। ये देखिए हमारा बड़े बन के तैयार हो चुका है। कितना क्रिस्पी बना हुआ है मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए कितना क्रिस्पी बना हुआ है। ये यहाँ पे मैं मटर करी के साथ में और सॉस के साथ में, आपको जो पसंद है आप उसके साथ में एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे मटर करी को यहाँ घुघनी बोला जाता है। इसे वड़ा और घुघनी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। कितना क्रिस्पी और मज़ेदार सा वड़ा बन के तैयार हो चुका है। अगर मेरे वड़ा वाला वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएं। मिलती हूँ और एक नई रेसिपी के साथ में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।